हेलो दोस्तों, ये स्पोर्ट है मेरे पास में। गाड़ी के अंदर मिसिंग प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और रनिंग ऑफ की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने इसका खोला है थ्रोटल बॉडी। कल इन्होंने कहीं स्पार्क प्लग डलवाया था नया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और जब मैंने इसकी थ्रोटल बॉडी खोली तो इसके अंदर इतना ज़्यादा डस्ट निकला है। अभी तो मैं कपड़े से इसको साफ़ कर चुका हूँ। इतना ज़्यादा डस्ट निकला है दोस्तों कि जो रेड वाला पेट्रोल होता है, मुझे पता लग गया 100% वही पेट्रोल इन्होंने चलाया होगा कचरा देखने के बाद थ्रोटल बॉडी के अंदर। जब मैंने इनसे पता किया तो उन्होंने बताया मुझे कि एक दो जगह मैंने वो रेड वाला पेट्रोल डलवाया है, उसी की वजह से थ्रोटल बॉडी में इतनी ज़्यादा डस्ट बनती है। तो आप कभी भी ऐसा ना करें, जो हमारी E20 गाड़ी नहीं है उसके अंदर आप रेड वाला पेट्रोल ना डलवाए, E20 वाला पेट्रोल ना डलवाए, क्योंकि वो डस्ट बनाता है यानी कचरा बनाता है और उसकी वजह से हमारी गाड़ी में बंद होने की प्रॉब्लम आती है। अब आती है इसको साफ़ करने की बात, तो ये मैं क्लीन कर चुका हूँ, लेकिन एक बारी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको क्लीन किस तरीके से करना है। धुलाई तो देखो हर सामान की खुद ही कर लेते हैं मैकेनिक, लेकिन उसका तरीका क्या है, ऐसे इसको पकड़ लेना है और जो इसकी स्लाइड है अंदर वाली, जो रेस वाली स्लाइड होती है, उसको देखना है उसके नीचे और ऊपर की साइड में, यानी कि आर पार नज़र आना चाहिए। नीचे और ऊपर की साइड में अगर आर पार नज़र आ रहा है तो फिर तो आप सही साफ़ कर चुके हैं इसको, अगर नज़र नहीं आ रहा है तो फिर साफ़ नहीं किया है आपने सही से। इंजेक्टर में भी हवा का प्रेशर लगाए और जो इसकी पोर्ट होती है दोस्तों, रेड वाला पेट्रोल चलने की वजह से इसकी पोर्ट ज़्यादा हट जाती है, यहाँ पर जहाँ हमारा थ्रोटल बॉडी बनती है वो अगर अटी हुई आपको नज़र आए तो उसको साफ़ करना है और स्पार्क प्लग खोल करके गाड़ी में किक लगानी है ताकि कचरा वाल पर ना बैठे। गाड़ी में किक लगा करके तब हेड के कचरे को बाहर निकालें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।